गुड इवनिंग एवरी वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 16 अगस्त, तो कल था इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन। तो आप सभी का कैसा रहा रक्षाबंधन? आपने कैसे सेलिब्रेट किया और इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया आपने? तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और तो फिर मैंने अभी सोचा थोड़ी देर पहले कि चलो मैं ब्लॉग भी आपके साथ स्टार्ट कर देती हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मेरे को, मतलब जब भी मैं रूम में होती हूँ, जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, और तब तक लाइट ही चली जाती है। तो अभी भी ऐसा ही हुआ, मैंने ना जस्ट फ़ोन उठाया कि चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और तब तक लाइट ही चली गई। और इतना गुस्सा आता है जब लाइट जाती है, और इतनी बार यहाँ पर लाइट जाती है ना कि मतलब एक दिन में 2 या 3 बार तो जाएगी लाइट। और फिर अंदर तो फिर जब लाइट नहीं होगी तो कैसे बनेगी फिर वीडियो? तो फिर इसलिए फिर मैं भी बाहर आई हूँ। फिर अभी मैंने फिर खाना बनाने की तैयारी भी कर ली है। तो मैंने अभी मैंने सुबह के लिए करेले काटने हैं, क्योंकि फिर सुबह टाइम नहीं होता ना करेले काटने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि करेले काटने के बाद उसको थोड़े टाइम उस पर नमक डाल के रखना पड़ता है, ताकि उसका जो है वो कड़वापन निकल जाए। तो फिर सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है कि हाँ सुबह मैं करेले काटूँ और फिर उसके बाद रखूँ, क्योंकि फिर सुबह जल्दी होती है सभी के लिए। तो फिर मैं अभी काट देती हूँ सुबह के लिए सब्ज़ी। मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट कोई कोई सब्ज़ियाँ जो मतलब सुबह जिसमें टाइम लगता है ना, जैसे मटर छीलनी हो तो फिर वो भी मैं शाम को ही छील लेती हूँ। करेले वगैरह मैं शाम को ही काट के रखती हूँ। और फिर आज मैं मलका की दाल बनाऊँगी, और वो भी कढ़ाई में, मुझे कुकर में नहीं बनाऊंगी मैं दाल, सिर्फ कढ़ाई में बनाऊंगी। इतनी टेस्टी दाल बनती है ना जो हम कढ़ाई में बनाते हैं, मलका की दाल बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो चलिए फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ाई में मलका की दाल। और मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, तो वो उसमें से एक चीज़ तो आ चुकी है जो कल आ गई थी 15 अगस्त को। वैसे उन्होंने टाइम तो 17 अगस्त का दिया था, बट वो उसमें से एक चीज़ आई है जो कल मुझे डिलीवर हो गई थी। और अभी 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे अभी नहीं मिली है, तो शायद वो कल तक मिल जाएगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हाँ मैंने क्या मंगवाया था। तो मैंने ये सब चीज़ें फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 19 अगस्त को, तो फिर मैंने कुछ उनके लिए मंगवाया था और कुछ चीज़ें अपने लिए मंगवाई थी। तो फिर मैं आपके साथ, जैसे ही मुझे रिसीव हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको मैं कल दिखा दूँगी, शायद इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। और तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑनलाइन नहीं इसलिए मंगवाया, क्योंकि अगर बाहर से लूँगी तो, यहाँ पे बाहर मार्केट से लूँगी तो उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अकेली तो मैं यहाँ जाती भी नहीं हूँ कहीं पर भी नहीं ना। तो फिर मार्केट मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, और फिर वो भी साथ में होंगे, तो फिर गिफ्ट लेने का क्या फ़ायदा, सरप्राइज़ देने का क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। और मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी पायल, चांदी की पायल मुझे गिफ्ट दी थी उन्होंने। और तो फिर मैं भी उनका बर्थडे, मतलब मेरे बर्थडे के 1 महीने के बाद उनका बर्थडे आता था, तो फिर मैं उनका बर्थडे है मंडे को, तो बस मैंने उनके लिए गिफ्ट मंगवा ली है। और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी है, फिर से बारिश होती है तो उसके बाद और ज़्यादा हो जाती है गर्मी। और मच्छर तो यहाँ पे इतने ज़्यादा है ना कि पूछो मत, काफ़ी ज़्यादा मच्छर है। चाहे जितने मर्जी ऑल आउट लगा लो, पर उन्होंने तो आना ही आना है मच्छरों ने। तो चलिए फिर अभी मैं काट लेती हूँ सुबह के लिए सब्ज़ी, फिर मैं उसके बाद करूँगी आपसे बात। सब्जी भी काट ली है, और अभी
चलते हैं फिर अब किचन में, दाल बनाने की तैयारी करते हैं। और दाल को तो मैंने अभी आधे घंटे पहले ही पानी में सोख करके रख दिया। वैसे भी मलका की दाल ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है उसको बनाने में, पकने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जैसे कि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए भी चलते हैं किचन में और फिर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये करेले कट चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, एक बड़ा चम्मच नमक डाल दूँगी। और ये मैंने दाल भी सोख करके रखी थी और ये जब मैं सब्जी काट रही तो उसके साथ मैंने दाल के लिए प्याज भी काट लिया है और टमाटर भी काट लिया है। मतलब प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, वो सब कुछ मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और तो पहले मैं नमक डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं दाल। पहले मैं फ़ोन को ना ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ, फिर उससे इजी रहेगा क्योंकि फिर एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रहूँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले फ़ोन को ट्राईपॉड पे सेट करती हूँ फिर मैं तो मैं डाल दूँगी इसमें एक बड़ा चम्मच नमक ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और अब मैं इसको ऐसे रख दूँगी सुबह तक, तो जो भी इसमें इसका पानी निकलेगा ना वो नमक के थ्रू जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ दाल। तो गाइस मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया कढ़ाई में, तेल गरम हो चुका है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है। उसके बाद मैं साबुत मसाले डाल दूँगी, मेथी पाउडर और धनिया, सॉरी मेथी दाना और धनिया। और मेरे पास जीरा ख़त्म हो चुका था तो मैंने जीरा नहीं डाला। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था, और थोड़ा सा मैंने लहसुन भी इसी में डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सुनहरा ना हो जाए। और मेरा ट्राईपॉड में सेट हो रहा तो बस मैं इसी को सेट कर रही थी अच्छे से ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं टेस्ट के अनुसार नमक। मैं डाल दिया इसमें धनिया पाउडर, डाल दिया इसमें किचन किंग मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक प्याज पक जाए। प्याज पक गए हैं, टमाटर भी गल चुके हैं तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया और दाल को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं प्याज और मसाले के साथ। और अब इस पर ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर पका लूँगी, जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसमें अब मैं पानी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो चलिए जरा थोड़ा ज़्यादा जितना भी आप डालना चाहें। दाल हमारी पकी है या नहीं, तो ये देखिए दाल हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। और देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि हमने कढ़ाई में बनाई थी या पहले हमने उसको कुकर में बॉयल किया था। देखिए कितनी अच्छी दाल बन रही है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी
धनिया, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, तो बस ये बन चुकी है और अब हम गैस कर देते हैं बंद। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार कढ़ाई में ये वाली दाल, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है 17 अगस्त और डे है सैटरडे, और मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये वाला ब्लॉग भी कल से लेके कंटिन्यू है, कल आफ्टरनून से लेके नहीं, कल इवनिंग से लेके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी बता देती हूँ कि अभी शायद मेरे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे जब तक मैं ठीक नहीं हूँ। पता नहीं कितने दिन लगेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग मैं डाल देती हूँ और फिर आपको भी बता देती हूँ। तो मेरी तबीयत आज सुबह से लेके बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज 6 बजे से लेके बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और वॉमिटिंग हो रही है। फूड पॉइजनिंग हो गई थी मुझे नहीं पता कैसे। और फिर सुबह 6 बजे मैंने उनको जगाया, अपने हस्बैंड को, जब मेरे से सहन ही नहीं हो रही थी दर्द, फिर वो उठे और फिर मैंने पानी वगैरह पिया तो मुझे लगा नॉर्मली ऐसी थोड़ी दर्द हो रही होगी, बट जब सहन ही नहीं हो रही थी तो फिर सबसे पहले उन्होंने इनो बनाया मेरे लिए, मैंने इनो पिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, सुबह से लेकर अभी तक 3-4 बार हो गई है। जैसे ही मैं दवाई खाती हूँ वैसे वॉमिटिंग हो जाती है, जो भी खा रही हूँ वो सारी वॉमिटिंग में निकल जा रही है। तो फिर अब सुबह 6 बजे तो ना कोई शॉप भी खुली नहीं रहती और ना कोई क्लिनिक वाला खुला रहता ताकि हम दवाई ला सकें। और फिर उसके बाद फिर वो गए शायद 8:15 बजे गए वो कि हाँ अब तो कोई क्लिनिक वाले खुल गए होंगे शायद, पर कोई भी नहीं खुला हुआ था, सारी शॉप बंद थी। और फिर वो वापस आए, फिर उसके बाद वो उनको भी अर्जेंट जाना था ऑफिस, क्योंकि उनके सर जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो वो तो जा नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद तो फिर वही है, तो फिर उनको भी जाना था तो वो भी नहीं रुक पा रहे थे। बट हाँ ये है कि वो बहुत लेट ऑफिस गए कल और आज, सॉरी। और फिर उसके बाद वो निकले, वो यहाँ से फिर 9 बजे गए और कि अब तो 9 बज गए, अब तो शायद कोई क्लिनिक खुल गया होगा या फिर उनको मतलब उनके नंबर, क्लिनिक वालों के नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेते उनसे। तो फिर वो गए, बट हाँ फिर 9:15 बजे तक खुल गया था। फिर वो दवाई लेके आए मेरे लिए, फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था तो दवाई भी कैसे खा सकते थे, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। इवन कि अगर मैं ना फ़ोन पे भी देख रही हूँ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, मेरे को कुछ भी दिखाई दे रही है तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, देख के ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो खाने खा तो खाऊंगी कैसे। और फिर उसके बाद दही खाई मैंने थोड़ी सी ना, क्योंकि दही ठंडी होती है, तो फिर मैंने थोड़ी सी दही खाई और दवाई लेने के लिए आधी सी कटोरी दही खाई मैंने। और उसके बाद मैंने दवाई ले ली पहले वॉमिटिंग की, उसके बाद और दवाइयाँ भी थी वो भी लेनी थी, बट फिर मैंने जैसे ही दवाई खाई और उसके बाद फिर हस्बैंड भी मेरे चले गए थे और फिर मैं रूम पे अकेली थी। तो मैं आज अभी तक मैं सुबह से लेकर, अभी टाइम हो गया है 5:45 हो गए हैं, तो मैं सुबह से लेकर बिस्तर के ऊपर से हिली भी नहीं हूँ, उठी नहीं, उठा ही नहीं जा रहा, बहुत वीकनेस हो रही है। और मुझे कपड़े भी धोने थे आज, तो मैंने सुबह जैसे वो गए ना तो फिर मैंने सोचा मैं पानी की बाल्टी में डाल देती हूँ कपड़े, शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं उठ जाऊँगी, कपड़े धो लूँगी। और जैसे ही मैं बाल्टी में कपड़े डालने गई ना तो मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। उसके बाद फिर मैंने दिन में फिर और दवाई खाई, खाना कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ दवाई खा ली। और जैसे ही मैंने दवाई खाई ना वैसे ही इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई ना कि मतलब जो भी मैंने खाया था, सुबह दही खाई थी, दवाई खाई थी, उसके बाद मैंने एक मैंगो खाया था, वो सारा निकल गया और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। और मैं बहुत डरती हूँ जब उल्टियाँ
होती है जब तबीयत ख़राब होती है, जब वॉमिटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, और अब पता नहीं कितने दिन के बाद आपको व्लॉग मिलेगा, तो मैं नहीं बनाऊँगी अब। और अभी भी फिर हस्बैंड मेरे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे हाल चाल की, क्या हुआ, ठीक हो, नहीं हो। तो फिर मैं ज़्यादा परेशान क्या करना, उनको भी मैंने बोल दिया कि नहीं वैसी ही हूँ जैसे सुबह थी। तो बस फिर ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, वो आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए फिर। और ऐसा मेरे को, मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ, मुझे नॉर्मली बस कोल्ड होता है और मुझे कुछ कोई बीमारी नहीं लगती, कोल्ड होता है और कभी कभी सिर दर्द हो जाती है, बस यही होता है। और मुझे ज़्यादा बीमारी बुखार बुखार ये कभी नहीं होती ऐसी चीज़ें। हाँ जैसे मैं आज बीमार हुई हूँ वैसे ठीक, मैं 1 साल पहले बीमार हुई थी अपनी शादी के बाद, वो भी मैं अपनी शादी के बाद घर गई थी अकेले, तो फिर उस टाइम मैं बीमार हुई थी 1 साल पहले, उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और अब आज फिर से हो गया। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मैं आपसे अपने अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।